सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसा आप सभी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पोको के X5 Pro 5G स्मार्टफोन के बारे में, और इसके लिए फाइनली इंडिया में हाइपर OS 1.0 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 14 का ऑफिशियल अपडेट है वो रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। और इस अपडेट के अंदर शाओमी की तरफ से बहुत सारे नए फीचर्स हैं, उनको भी यहाँ पर ऐड किया गया है। तो कंप्लीट फीचर्स जो जो आपको इस अपडेट के अंदर मिलते हैं उनके बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखते रहिए। वीडियो आप लोगों को ये पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर सकते हो, और चैनल पे आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि फ्यूचर में जैसे कोई और बड़ा अपडेट आता है तो वीडियो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगी। और आप लोग हमारे सहेज सेन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जैसे ही अपडेट आता है तो सबसे पहले जो न्यूज है ना वो आपको यहीं पर देखने को मिलती है। अपडेट के बारे में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि इसका वर्जन नंबर है वो आपको मिलता है हाइपर OS 1.0.2.0, और अपडेट की जो टोटल साइज है वो आपको मिलती है 4.8 GB। तो एप्रोक्स आप लोग 5 GB अपडेट की साइज है वो मान के चल सकते हो, जो कि एक बहुत ही बड़ी मैसिव साइज का अपडेट है। और यहाँ पर IN मतलब कि इंडिया के लिए अपडेट है वो यहाँ पर रोल आउट किया गया है। बात करें इस अपडेट के फर्स्ट चेंज लॉग के बारे में, जो कि आपको मिलेगा एंड्रॉइड 14 अपडेट की एनिमेशन। तो एंड्रॉइड 14 अपडेट की जो एनिमेशन है उसके लिए आपको यहाँ पर कुछ इस टाइप का लेआउट मिलेगा। इस पे आप लोग जैसे ही क्लिक करके रखोगे ना, तो ये जो एनिमेशन है और वाइब्रेशन है ना फोन की बॉडी पे, वो यहाँ पर काफी हेविली आप लोगों को यहाँ पर फील होगी। अभी एनिमेशन तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, लेकिन वाइब्रेशन है वो मुझे यहाँ पर पता लग पा रही है। तो यहाँ पर आप लोग जरूर से एक बार वाइब्रेशन है उसको ट्राई कर लेना। वैसे इसका कोई पर्पस तो नहीं है, लेकिन हाँ एक गेम टाइप से आप लोग इसको यहाँ पर प्ले कर सकते हो, जैसे कि ये एक सर्किल है ना वहाँ पर ड्रॉ होता रहता है। बाकी गाइस यही एक न्यूज है ना वो आपको बतानी थी। अभी इस अपडेट के अंदर जो सेकंड सबसे बड़ा जो चेंज है वो आपको मिलेगा कंट्रोल सेंटर के अंदर। कंट्रोल सेंटर का जो पूरा का पूरा लेआउट है ना वो यहाँ पर इस बार चेंज हो चुका है। नया आप लोगों को यहाँ पर कह सकते हो ब्राइटनेस स्लाइडर मिलता है, जो कि काफी ज्यादा स्मूथ है। आप लोग वॉल्यूम को कम या फिर ज्यादा कर सकते हो, और इसका भी जो लेआउट है वो आप लोग सिमिलर देखने को मिलता है एप्पल के iOS अपडेट से। तो काफी सारी सिमिलरिटीज आपको मिलती है, सिमिलरिटीज आपको मिलती है। और यहाँ पर जो सेटिंग का आइकन है वो यहाँ पर प्लेस हो चुका है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने आपको बता दिया। बाकी इस कंट्रोल सेंटर को आपको एडिट करना है तो थोड़ा नीचे की तरफ आके एडिट वाला ऑप्शन आपको मिलेगा। जिस एप्लीकेशन को आप लोग ऐड करना चाहते हो ऐड कर लेना, रिमूव करना चाहते हो रिमूव कर लेना। बाकी इस अपडेट का जो अब तक का सबसे बड़ा चेंज है वो आपको मिलेगा लॉक स्क्रीन के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉक स्क्रीन है वो मैंने कुछ इस टाइप से अप्लाई करके रखी है। अभी आपके फोन के अंदर अगर कोई लॉक है ना वहाँ पर नहीं है पैटर्न पिन या फिर पासवर्ड, तो आपको कुछ इस टाइप से क्लिक करके रखना है, और अगर लॉक होगा तो लॉक आपको लगा देना है। अभी मेरे जो फोन की लॉक स्क्रीन है वो कुछ इस टाइप से नजर आती है, बाकी डिफॉल्ट तो हमारी कुछ इस टाइप से आती है। बाकी ये एक आपको क्लासिक की स्क्रीन मिलेगी, और यहाँ पर आपको काफी सारे यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो मिल जाएंगे, और इनको आप लोग यहाँ पर कस्टमाइज भी कर पाओगे। वापस से आप लोगों को करना है स्वाइप, और यहाँ पर आपको ये एक नया नेम के साथ में नई लॉक स्क्रीन मिल जाती है, और इसके अंदर भी आपको बहुत सारी डिजाइन्स हैं वो भी यहाँ पर मिल जाएगी। एक और बार आपको स्वाइप करना है, और यहाँ पर आपको मैगजीन नेम की एक विंडो मिल जाएगी। विंडोज मतलब कि ये स्क्रीन, इनको आप लोग यहाँ पर और भी कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि ये वाली स्क्रीन है वो यहाँ पर देखते काफी ज्यादा यहाँ पर दिखने में तो सही लग रही है, तो इसको हम लोग करते हैं कस्टमाइज। सबसे पहले तो आपको एक डेप्थ इफेक्ट मिलता है, जैसे कि पहले हमारे फोन के अंदर कुछ इस टाइप का लेआउट हुआ करता था, ऑब्जेक्ट पीछे रह जाता था और क्लोक है वो थोड़ा आगे की तरफ आ जाती थी। तो आप लोग इस डेप्थ इफेक्ट को ऑन करोगे ना, तो ये जो इफेक्ट है ना वो यहाँ पर क्रिएट होगा, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर आगे की तरफ प्लेस हो जाएगा। फिल्टर के अंदर आप लोग जाओगे तो अलग अलग आप लोगों को फिल्टर्स मिल जाएंगे, और इस वॉलपेपर को देख के आप लोगों को भी यहाँ पर नथिंग वॉलपेपर है उसके यहाँ पर जरूर से याद आ गई होगी। मेट इफेक्ट है, इस पर अगर आप लोग क्लिक करोगे तो पूरी की पूरी स्क्रीन है वो मेट इफेक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, और इसके अंदर आप लोग फिल्टर्स लगाओगे तो अब आप लोगों को ज्यादा यहाँ पर ये बेटर जो लुक है ना वो यहाँ पर प्रोवाइड
करवाएगा। अब आप लोगों को सिंपली इस क्लॉक पे क्लिक करना है तो इसका जो लेआउट है वो भी आप लोग चेंज कर पाओगे। जैसे कि एक लेआउट तो ये वाला है, सेकंड ये वाला है, बाकी थर्ड तो ऑटोमेटिकली अप्लाई यहाँ पर आ गया है। तो इसका अगर आपको कलर चेंज करना है तो कलर चेंज करने का आपको ऑप्शन मिल जाता है। जो कलर आप लोगों को पसंद है सिंपली आप लोग वो कलर अप्लाई कर पाओगे। जैसे कि लाइम ग्रीन कलर है वो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। अब आप लोग इसको डार्क भी कर सकते हो, आप लोग इसको लाइट भी कर सकते हो, पूरा आप लोगों को इसके अंदर कंट्रोल है वो देखने को मिल जाता है। बाकी नीचे एक और कलर आपको मिलता है जो कि ये व्हाइट कलर है, वो यहाँ पर चेंज होगा। तो इसके अंदर स्काई ब्लू कलर है वो मैंने अप्लाई कर दिया है, और सेम इसकी भी आप लोग इंटेंसिटी है वहाँ पर कम या फिर ज़्यादा है ना वो यहाँ पर कर पाओगे। तो ये मेरे कहने का आप लोगों को यही है कि आप लोगों को इतने सारे फीचर्स मिलते हैं। बाकी वॉलपेपर के अंदर जाके लोकल फोटोज है जो कि आपकी गैलरी एप्लीकेशन के अंदर है उनको भी आप लोग यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। अभी जो मैंने अपने फोन के अंदर अप्लाई करके रखी है वही मैं आपको उसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। अभी अमृतसर की मेरी ये वाली फोटो है जो कि बैक से क्लिक की गई है। अभी इसके अंदर आप लोग ये इफेक्ट देख रहे हो ना, अगर ये इफेक्ट नहीं होता ना तो ये फोटो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती है। और इस वाले इफेक्ट से अभी यहाँ पर मतलब कि काफी यूनिक एक लॉक स्क्रीन है यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। और सबसे पहले आप लोग इसको यहाँ पर कर देना अप्लाई। अप्लाई करने के बाद में जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमारे फोन के अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आ चुकी है जो कि सेम यही येल्लो गोल्डन कलर है उसके अंदर कन्वर्टेड है। और जो लॉक स्क्रीन है उसके अंदर भी आपको कुछ इसी टाइप का जो लेआउट है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ से यहाँ तक वाली जो एनिमेशन है वो यार दिखने में बहुत ही ज्यादा यहाँ पर स्मूथ है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे लॉक स्क्रीन से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले से लॉक स्क्रीन काफी एक स्मूथ एनिमेशन है वो Xiaomi Poco की तरफ से यहाँ पर कन्वर्ट करने की कोशिश की गई है जो कि मेरे हिसाब से तो आप लोगों को काफी स्मूथ देखने को मिलती है। नेक्स्ट चेंज है वो आपको मिलेगा सेटिंग एप्लीकेशन के अंदर। सेटिंग एप्लीकेशन का कंप्लीट लेआउट है वो चेंज हो चुका है। यहाँ पर आपको जितने भी ये जो टेक्स्ट है वो नजर आते हैं उन सभी टेक्स्ट को इस अपडेट के अंदर चेंज कर दिया गया है। जितने भी आपको यहाँ पर ये आइकन्स नजर आते हैं इन सभी आइकन्स को भी इस अपडेट के अंदर फाइनल यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। और आप लोग अगर जाते हो बैटरी वाले ऑप्शन के अंदर तो इसका भी हल्का सा जो लेआउट है वो चेंज हो चुका है। जैसे कि बैटरी प्रोटेक्शन, बैटरी चेकअप, एडिशनल फीचर और यहाँ पर करंट मोड, तो ऐसे आपको कुछ अलग अलग ऑप्शंस है वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। बाकी अभी के लिए इस अपडेट को यहाँ पर जो पायलट यूजर है उनके लिए रोल आउट किया गया है। अगर आप लोग एक नॉर्मल से बंदे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपको अभी अपडेट को बिल्कुल भी अपने डिवाइस के अंदर इंस्टॉल नहीं करना है। हो सकता है अपडेट के अंदर कुछ बग्स है वो आपको देखने को मिल जाए, तो आपको एक वीक या फिर 10 दिनों तक का वेट कर लेना है। 10 दिनों के आसपास मैं आपको खुद ही बता दूंगा कि इस अपडेट को आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो या फिर नहीं, करना चाहिए या फिर नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।